अगर आप भगवान बुद्ध, आनंद और प्रकृति का नाम इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के द्वारा एक कहानी वहाँ नैरेट की हुई, बताई हुई मिलेगी आनंद और प्रकृति के बारे में। दुखद बात यह है कि इसमें जो प्रकृति नाम की कन्या है उसको वैश्या बताया गया है, उसको प्रोस्टिट्यूट बताया गया है और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट और बेइज्जती की गई है, जबकि मूल कथा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पहले आप इसकी कथा सुन लीजिए, उसके बाद में इसका विश्लेषण सुनिए। पक्ति पाली के अंदर बोलते हैं हम और संस्कृत भाषा में प्रकृति बोलते हैं, क्योंकि आधा रेय पाली के अंदर नहीं होता। ऊपर जो आधा रेय लगता है डंडे के बाद या नीचे शब्दों में जो आधा रेय लगता है किसी भी प्रकार का, पाली के अंदर आधा रेय का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसका नाम प्रकृति नहीं है, पक्ति नाम है उसका। पक्ति श्रावस्ती में रहती है, जो आज के समय का श्रावस्ती है, उस समय सावित्री बोलते थे, सावित्री में रहती है और सावित्री के अंदर ही जैतवन आराम, यानी जैतवन आराम, आराम का मतलब बाग होता है जहाँ सारे भिक्खु आराम करते थे और रेस्ट करते थे, आज के हिसाब से विश्राम या विश्राम बोलते हैं उस समय। तो जैतवन जो राजकुमार उसके नाम पे बनाया था, जो नागपिंडक ने बनवाया था, उसमें सारे भिक्खु उसमें रहते हैं, भगवान बुद्ध भी वहीं हैं। भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध या भंगी बुद्ध वहाँ चारिकाग्नि आते जाते हैं। आनंद भी उनसे परमिशन लेके, उनसे इजाज़त लेके, उनसे आज्ञा लेके और चारिका पे चले गए। चारिका का नियम है सबको अपनी अपनी चारिका लेके आनी है, जो खाना मिलता है, जो पिंड मिलता है, जो पिंडपात होता है, वो सब इकट्ठा होता है और सारे भिक्खुओं में बराबर बढ़ता है, ये नियम है संघ का, रोज का नियम है। तो आनंद जब जाते हैं तो चलते चलते उनको प्यास लगती है, एक कुएं पर जाके वो रुकते हैं और वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम पक्ति है, उससे वो पानी मांगते हैं। उन्हें नहीं पता कि उसका नाम क्या है, वो तो उसको जो अय है, अय बोलते हैं महिलाओं को, और अया, अया बोलते हैं महिलाओं को और अय बोलते हैं पुरुषों को, ये सम्मान सूचक शब्द पाली के अंदर होता है। तो वो अया करके बोलते हैं और उससे पानी मांगते हैं, वो उन्हें पानी पिलाती है। पानी पीते समय, क्योंकि आनंद सिर्फ दो उंगल छोटे हैं भगवान बुद्ध से और बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह ही हैं और सुंदर हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत देखने में बड़े आकर्षक हैं, तो पक्ति का उन पे दिल आ जाता है। ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि पुराने समय में भारत के अंदर महिला प्रधान देश होता था, पाली के समय, बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले महिला प्रधान होता था और महिलाएं अपने पसंद का वर चुनती थीं। आज की तरह नहीं है कि माँ बाप ने जहाँ लड़की की शादी फिक्स कर दी, अब तो लड़की वस्तु की तरह हो गई है, उस समय से लेकर आज तक उसको वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ उसकी शादी तय कर दी हो गई, जहाँ उसे बैठा दिया बैठा दिया। अभी हालात थोड़े ठीक हैं, मगर आपसे पहले की मैं बात करूँ तो उस समय नहीं थे, उस समय जो स्त्री और पुरुष थे दोनों बराबर थे और स्त्री प्रधान थी और महिला घर की मालकिन हुआ करती थी, यानी कि जो कुल माता होती थी वो पूरे कुल की सबसे ज़्यादा माता होती थी और उसी की आज्ञा चलती थी, कुल पिता नहीं होता था भारत के अंदर। तो उसको अच्छे लगे आनंद, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ का जो नाम था वो मातंगी था, मातंगी नाम था और वो जो उनका गोत्र था यानी लाइन थी वो थी चंडाल की, यानी कि जिनके चंद जैसी आभा होती है और जो भगवान बुद्ध से पहले भी चंद जैसी आभा रखते हैं, बहुत सम्मानित और बहुत ज्ञानवान लोग होते थे चंडाल, आज भी हैं। तो माँ कहती है अच्छा ठीक है मैं देख दूंगी। वो भिक्खु संघ से निवेदन करके और आनंद को अपने यहाँ खाने पर बुलाते हैं, आनंद वहाँ खाने पर जाते हैं, खाना खाने के बाद में वो प्रस्ताव रखते हैं कि भाई जो पक्ति है वो आपको पसंद करती है और आप इससे शादी कर लीजिए। ऐसा नियम है कि अगर कोई भिक्खु ग्रस्त जीवन में आना चाहे, घर के नियम में वापस आना चाहे, शादी करना चाहे, तो वो भिक्खु संघ की जो संपदा है, चीवर है और जो उसका भिक्खा पात्र है, वो उनको लौटा दे और फिर ग्रस्त जीवन में आ सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई इसमें पुण्य नहीं है, ये सामान्य सी बात है। जब तक आपका मन लगता है आप सीखें, धम सीखें, सिखाएं, नहीं लगता है तो ग्रस्त में चले जाएं, वहाँ जाके धम सीखें। तो आनंद ने कहा कि मैं चीवर नहीं छोड़ सकता, मैंने पूरे जीवन के लिए चीवर लिया है, पवज्जा ली है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। और वो वहाँ से उनको देशना दे के
चले गए। मगर पक्ति को वो इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि पक्ति ने पीछा नहीं छोड़ा और वो भगवान बुद्ध के पास चली गई। भगवान बुद्ध से जाके उसने निवेदन किया कि मुझे आनंद बहुत अच्छे लगे और मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ, आप मेरी सिफारिश करें और आनंद से कहें कि मुझसे शादी करें। अब भगवान बुद्ध तो पारगामी हैं, वो तो आर पार देखते हैं, शरीर के पार भी देखते हैं, अंदर भी देखते हैं, सारा साइकोसोमेटिक सिस्टम या साइकोलॉजी जो भी एक ह्यूमन की होती है, ह्यूमन बिहेवियर की होती है, वो उसके मास्टर्स ऑफ मास्टर हैं, मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं, तो वो जानते हैं। तो उन्होंने पक्ति को देखा ध्यान से और देखा कि इसमें बहुत अच्छे गुण हैं धम्म में पकने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचूंगा, मगर तुम अगर अपने सर के बाल कटा लो और मुंडन करा लो और तुम मुंडी बन जाओ तो मैं फिर आनंद से बात करने के लिए सोचूंगा। वो बहुत खुश हुई कि अगर बुद्ध ने इतना कहा है तो बात बन जाएगी। और उसने घर जाके अपनी माँ जो मातंगी थी उससे कहा, मातंगी नाम है उसका, मातंग लोग बहुत पुराने लोग हैं जो बुद्धिस्ट लोग रहे हैं। मातंगी ने ये कहा कि अरे तू पागल मत बन, जो बाल होते हैं वो औरत की सुंदरता होते हैं, औरत के सिर से अगर बाल हट जाते हैं तो औरत अधूरी हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सारी औरतें बाल बढ़ाती हैं और वो बाल इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि वो उनकी सुंदरता को चार चांद लगाता है, और अगर नारी में सुंदरता ना हो तो नारी अधूरी सी मानी जाती है नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। मगर वो जिद पड़ गई क्योंकि उसे तो आनंद चाहिए थे, आनंद से शादी करनी है, और उसने बाल मुंड लिए अपने, कटा लिए अपने, वो गंजी हो गई। गंजी होने के बाद में वो भगवान बुद्ध के सामने पेश हुई और वहाँ जाकर उसने कहा कि अब आप मेरी शादी कराइए, देखिए मैं गंजी होके आ गई, मुंडन करा के आ गई, अब मैं मुंडित हो गई। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि ठीक है, मगर तू पहले ये बता मुझे कि तू आनंद के किस हिस्से से प्यार करती है, उसकी नाक से, उसकी कान से, उसकी आँख से, उसकी त्वचा से, उसकी जीभ से, किस चीज़ से प्यार करती है। अब वो पेशोपेश में पड़ गई, असमंजस में पड़ गई कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि आनंद के तो भगवान बुद्ध ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो टुकड़े टुकड़े देख रही है, तो वो भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं पक्ति को, वो कहते हैं देख तू ये बता कि तू आनंद के किस हिस्से से प्यार करती है। अगर तू नाक से प्यार करती है तो नाक से रेहट निकलती है, नाक की गंदगी निकलती है, नाक का स्लाइवा निकलता है। अगर तू मुंह से प्यार करती है तो मुंह से थूक निकलता है, खकार निकलती है। अगर तू कान से प्यार करती है तो कान में गंदगी मैला होता है, कान का वैक्स होता है और वो गंदगी लगातार निकलती रहती है। अगर तू आँख से प्यार करती है तो आँख में ढीढ़ निकलती है, आँख में आंसू निकलते हैं, वो सब गंदे होते हैं। अगर तू त्वचा से प्यार करती है तो त्वचा में बदबू होती है, उसमें पसीना आता है और वो हमेशा साफ करनी पड़ती है। तू देख, प्रज्ञा की आंखों से देख, पहिया की आंखों से देख। भगवान बुद्ध जिसको देखने के लिए कहें, क्योंकि उनमें इतना आकर्षण था, उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी और इतना अमृत था, यानी अमृत था। और पक्ति बहुत समझदार परिवार से थी, क्योंकि चंडाल परिवार से थी, वो भगवान बुद्ध की बात को समझ के उसके परे देखने लगी। और उसने देखा कि अगर मैं इसे शादी करती हूँ और शादी करने के बाद अगर मेरे संतान भी उत्पन्न होती है तो वही गंदगी है, और ना ये जिंदा रहेगा, ना मैं जिंदी रहूँगी और ना ही संतान रहेगी। ये सारा का सारा अनिच्छ है, अनित्य है। ये बात समझ में आते ही, क्योंकि आधे जब उसने बाल कटाए थे तो सुंदरता उसकी जाती रही, आधा तो उसका जो पहिया है उसी समय जागृत हो गई, सुंदरता के प्रति जो उसको लगाव था वो ख़त्म हो गया था, और बाकी जो बातों से बताया भगवान बुद्ध से उसने ख़त्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि तू बहुत समझदार है और पहिया से देख। और जब उसने देखा तो भगवान बुद्ध ने उसको पवज्जा में शामिल किया, भिक्कुणी बनाया, उसने पवज्जा शामिल की, अपनी इच्छा से आई, और उसके बाद उसने हजारों महिलाओं का उद्धार किया और उनको अर्हत किया, और वो बहुत अच्छी धम्म देशना देने वाली बनी, बहुत अच्छी भिक्षुणी बनी। ये कहानी पक्ति की और आनंद की है। ये बहुत शालीन और बहुत भव्य कहानी है। पक्ति बहुत धैर्यवान, बहुत गुणवान, बहुत सहनशील, बहुत बुद्धि वाली महिला या लड़की औरत थी। मगर जो अगर YouTube चैनल पे आप कहानी देखेंगे तो उसमें सिर्फ YouTube चैनल पे वो कहानी बिके और लोग उसमें आकर्षित हों और उसके टाइटल में फंसें और उस कहानी को देखें, उसमें उसको वैश्या बताया गया, उसमें बताया गया कि आनंद को बुलाया तो आनंद को दरवाज़ा बंद करके घर में बंद कर लिया और उनको ये कहा कि देख आनंद, अगर तू शादी नहीं करेगा तो हम तुझे जाने नहीं देंगे, और उसे रात भर बंद करके रखा
प्रकृति और आनंद यानी प्रकृति और आनंद रात भर एक कमरे में बंद रहे और मातंगी यानी उसकी माँ ने वो कमरा बंद कर लिया, ऐसा बताते बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग बताते हैं। थोड़ा भी सोच लेते कि भिक्खु संघ के मैनेजर आनंद हैं। आनंद सारे भिक्खु संघ को संभालते हैं। हर भिक्खु संघ में नियम यह है कि 12 बजे तक सभी भिक्खुओं को या भिक्खुणियों को पिंडपात लेके यानी कि खाना लेके, पिंड लेके, पिंडदान लेके, भोजन लेके वापस बिहार में आना है और भोजन इकट्ठा करके खाना है और कोई भी उसके बाद रहेगा नहीं, क्योंकि शाम का तो घूमने का नियम ही नहीं है और आनंद तो मैनेजर हैं और बुद्ध के राइट हैंड हैं। तो आनंद अगर रात भर बंद रहेंगे और बुद्ध से परमिशन लेके गए हैं, इजाजत लेके गए हैं और बुद्ध को ये बता के गए हैं कि मैं इस गांव में जा रहा हूं, तो क्या बुद्ध उनको ढूंढने के लिए लोगों को नहीं भेजेंगे? क्या बुद्ध को ये बात नहीं पता रहेगी कि आनंद कहाँ रह गए, कहाँ गए थे, जरा ढूंढने, और गाँव में कितने गाँव होते हैं और कितने नहीं होते हैं सबको पता होता है। तो थोड़ा सा भी अगर वो महापुरुष जो क्या बोलते हैं वैश्या और पक्ति को वैश्या बताते हैं और आनंद को उसके साथ रात बिताने के लिए बोल देते हैं और जबरदस्ती कमरे बंद करा देते हैं, थोड़ा तो सोच लेते कि इतना विशाल भिक्खु संघ है और जिसके मैनेजर है, अरे देश का प्रधानमंत्री अगर गायब हो जाएगा तो राष्ट्रपति ढूंढेगा नहीं क्या? मतलब एक थोड़ी सोचने वाली बात है। दूसरा ये है कि भिक्खु संघ में इतने अच्छे नियम बने हुए हैं कि आप चीवर छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, इसमें दिक्कत कहीं नहीं है। अगर आपका मन है तो आप शादी कर लीजिए, तो इसमें जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये कहानियाँ सिर्फ बेचने के लिए ताकि यूट्यूब पे लोग उसे देखें और यूट्यूब पे कुछ पैसा बन जाए, लोग उसको मिर्च मसाला लगा के अर्थ का अनर्थ करने में धड़ाधड़ लगे हुए हैं, धम्म का ध्येय नहीं जानते और पूरा धम्म पढ़ाने में लगे पड़े हैं। उनसे थोड़ा सा प्रश्न करने का सोचिए, उनको पूछिए उनको कि ये आप जो बता रहे हैं ये कथा कहाँ से ली, कहाँ से आई, कैसे गई, कैसे आई, इसकी सच्चाई क्या है, इसके तथ्य क्या हैं। कथा झूठी हो सकती है, लपेटी हुई हो सकती है, मगर तथ्य झूठ नहीं होते, क्योंकि टोटल जितनी भी कथाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सार बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो सार है इस कहानी का, इस कथा का जो सार है वो ये है कि भगवान बुद्ध के समय में महिलाओं की और पुरुषों की इच्छाओं का दमन नहीं होता था और उनको बराबर, उनको इज्जत मिलती थी और दोनों ही समान थे। धन्यवाद।